हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले एक पीएचडी नोटिफिकेशन, जहां पर अगर जेआरएफ है तो वहां पर फेलोशिप भी है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रॉस्पेक्टस में पूरी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ प्रॉस्पेक्टस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फी होने वाली है, यहाँ पर आप देखें जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 600 रुपये, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 400 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और आपका पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 275 रुपये यहाँ पर फी रखी गई है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। इसके जो नोटिफिकेशन निकले हम देखने वाले हैं, और इसमें साथ साथ आप प्रॉस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से आप इसको ऑनलाइन करेंगे, इस सारी प्रक्रिया अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो यहाँ ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही पहले देखेंगे कि किन किन सब्जेक्टों पर यहाँ पर पीएचडी एडमिशन है, तो ये देख लेते हैं, उसके बाद सारी डिटेल कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद यहाँ जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच और टोटल यहाँ पर दिया गया है। तो जो पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंग्लिश में है, तेलुगु उर्दू अप्लाइड जो है आपका लिंग्विस्टिक हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एजुकेशन रिजन स्टडी इंडियन जो है डिस्पोरा सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी और जेंडर स्टडीज़। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेंटर भी इसके अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, आप वो अपने जोन के हिसाब से अपने नज़दीक के हिसाब से आप सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जनरल स्टडीज व इकोनॉमिक्स डांस उसके आर्ट हिस्ट्री विजुअल स्टडीज कम्युनिकेशन जो है ट्रांसलेशन स्टडीज इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज हेल्थ साइंस ऑटोमेट्री और उसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग और उसके बाद नॉन कॉन्शियस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप ये देख लिए हैं, तो इतने सब्जेक्टों में है। अब यहाँ पर सीधे चलते हैं, ये जो सेंस यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाई एक्ट ऑफ जो है पार्लियामेंट। अब उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस यहाँ पर दिया गया है कि आप ये देख सकते हैं 22 पीएचडी एंट्रेंस थ्रॉट ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाई यूनिवर्सिटी हैदराबाद एंड एलिजिबल जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पर पूरी जो प्रॉस्पेक्टस उसमें पढ़ेंगे तो उसमें फेलोशिप वगैरह भी दी गई है, ले चलते हैं वहाँ पर, इन सारी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर इन सब सब्जेक्टों में, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो शॉर्ट नोटिस है, यहाँ पर ये यह दिया गया है कि कैंडिडेट आप अपना जो सेंटर चूज कर सकते हैं उसके लिए भी, जैसे कि ऑनलाइन आजकल हर जगह आपको अप्लाई करना होता है, तो कैंडिडेट अप्लीकेशन ऑनलाइन यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ये एंट्रेंस का आपका जो है सेंटर दिया गया है कि भुवनेश्वर कुची पटना दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद एंड कोलकाता, यहाँ पर आप इन 7 सेंटरों पे आप अपने जो है एग्जामिनेशन आप अपने प्रेफरेंस दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जो डेट है इसकी, डेट शुरुआत डेट और अंतिम डेट यहाँ पर देख सकते, जो रिलीज हुई है डेट यहाँ पर देख 1/8/2024 को रिलीज हुई है, उसके बाद यहाँ पर 1/8/2024 14/9/2024 आप लास्ट डेट, यहाँ पर अभी भी टाइम है 14/9/2024 तक है। रिटर्न एग्जाम 19/10/2024 से 20/10/2024, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपको करना किस प्रकार से है, तो शुरुआत में ही आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आप जैसे हैदराबाद विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एडमिशन, एडमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिशन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसे आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमको देखना है बाकी बहुत सी चीज़ें निकलने के, हमें देखना है पीएचडी का। तो पीएचडी यहाँ पर आप देखिए 18/6/2024 से यहाँ पर देखिए पीएचडी प्रोग्राम नोटिफिकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आप जो है एक नए पेज पर आ जाएंगे। नए पेज में यहाँ पर देखिए पीएचडी एडमिशन जुलाई 2024 सेशन, यहाँ 1/8/2024 लास्ट डेट 14/9/2024 यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही पहुँच जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पर वही सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी दिया गया है किस प्रकार से आपको रिफंडेबल, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पीएचडी का जो शेड्यूल दिया गया है,
यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, हेल्पफुल आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, पीएचडी नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप प्रॉस्पेक्टस 300 से अधिक पेजों का है वो यहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, EWS और OBC सर्टिफिकेट फॉर फार्मेट, यहाँ से भी ये जरूर आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये EWS रिजर्वेशन में किस प्रकार से होगा, OBC सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट होगा वो किस प्रकार से होगा। अगर नहीं देखे तो यहाँ पर आप इसे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही आप नए पेज पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी यहाँ डिटेल है यहाँ पर इसको एक बार पूरा देख लीजिए, यहाँ पर नीचे भी दिया गया है। तो यहाँ पर इस देखिए OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, उसे भी आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, यहाँ पर इसको एक बार जरूर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है प्रॉस्पेक्टस, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉस्पेक्टस पर आप जो है पहुँच जाएंगे, प्रॉस्पेक्टस आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 328 पेजों की है, 328 पेजों की एक PDF है, इसमें सारी चीज़ें फेलोशिप वगैरह आप किस प्रकार से आप एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरी है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इसको आप स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब मैं इसके विषय में कंटेंट कंटेंट कहाँ पर क्या है ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मेन मेन कंटेंट कंटेंट था हमने आपको इस वीडियो के अंतर्गत शुरुआत में ही कवर कर लिया गया है, बाकी आप यहाँ पर कौन किस किस सब्जेक्ट में फेलोशिप मिलने वाली है, किस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट की बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी के इस प्रॉस्पेक्टस में आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रॉस्पेक्टस है कि आप इसको देख अगर बताएंगे तो ये तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप इसमें फॉर्म को फिलअप करेंगे किस प्रकार से फिल करना है ये भी यहाँ पर हमने देखा है, लेकिन आप मैं एक बार फिर से बाइक चल के वहाँ पर जहाँ पर आपका ये फॉर्म नोटिफिकेशन है तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए किस प्रकार से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहाँ पर देखिए बड़े अक्षर में पीले अक्षर में यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो आपको सीधे यहीं पर कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, एडमिशन पोर्टल पर पहुँचते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ आते ही आप यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई देगी, लेकिन यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है क्योंकि अभी हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल आ गई, आपको फॉर्म भरना है, आप यहाँ पर अपना नाम डेट ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ईमेल, आपका री इंटर एप्लीकेशन ईमेल, पासवर्ड आपको बनाना है, एड्रेस का आप अपना जो है मोबाइल नंबर दोबारा एंट्री करें, उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा करके रजिस्टर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इस प्रकार से अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में, अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट की और आप इंटरेस्टेड हैं जो यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए हैं, इन सब्जेक्टों में आप अगर फॉर्म फिल करना है और आप PhD करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, मित्रों का शेयर करिए, चैनल पर नए हैं लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई अगर आपका प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो या कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।